non, on est le Real Madrid. On peut pas avoir, perdu une équipe. Hello guys, yeah, welcome to Just Football Talks. By the way, अभी तक मैंने दो वीडियोस कवर करी हैं, चुआमनी और विनिशियस अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी. रिलेट टू दिस टाई भाई, जो इतना बड़ा मैच है, सबसे पहली लाइन मैंने क्या आपके सामने, मैंने क्या रखी थी भाई, सबसे ज़्यादा डर मुझे किसका है भाई बताओ मुझे. ना पेप का है, देखो डर है ऑब्वियसली, बहुत बड़ा कोच, सबसे बड़ा कोच भाई. ना पेप का मुझे डर है, ना केडीबी का मुझे डर है जो इसमें बहुत ही तगड़े फॉर्म में दिख रहा है, ना मुझे हालैंड का डर है. सबसे ज़्यादा डर सिर्फ मुझे एक बंदे का, भाई, एंसेलोटी, कार्लो एंसेलोटी भाई. रिपोर्ट आपके सामने है भाई, देखो सब कुछ डन है. कौन कहाँ खेलेगा, सिर्फ एक डाउट है. मुझे पता नहीं भाई ये डाउट क्यों है भाई, मतलब कौन स्टार्ट करेगा, नाचो या फिर चुआमनी एट सेंटर बैक. कामोविंगा मिडफील्ड में मोस्ट प्रॉब्ली भाई, कामोविंगा मिडफील्ड में खेलने वाला है. काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं, डाउट किस बात का है भाई. देखो हम दिस सीजन 40 मैचेस हमने खेले भाई, हम सिर्फ दो मैचेस हारे हैं सिर्फ रियल में दिस सीजन भाई. ये बहुत बड़ा, बहुत तगड़ा सीजन जा रहा है भाई. सिर्फ हम दो मैचेस हारे हैं, दोनों मैचेस में चुआमनी बेंच पर था. दोनों मैचेस में बहुत बड़ा मैच था, एटलेटिको मैड्रिड बेंच पर था भाई. जब भी चुआमनी सेंटर बैक पे खेला, जब भी चुआमनी स्टेडियम पोजिशन, कहीं भी आप उसको खिलाओ, जब भी चुआमनी पिच पर स्टार्टिंग 11 में खेला है भाई, हम जीते हैं मैच. जब भी वो बेंच पे, जब भी उसने स्टार्ट नहीं किया, हम मैच हारे हैं भाई. देखो डाउट किस बात का है भाई, आई हैव नो ऑलरेडी, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ. चुआमनी कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है इस मैच में, सबसे पहले लेग में, अपने घर पर फर्स्ट लेग में चुआमनी कितना क्रूशियल होने वाला है भाई. अभी देखो सिटी वर्सेस एस्टन विला, सिटी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस हुआ था भाई. इधर देखो आप, ये सब छोड़ो, इधर देखो सिटी वर्सेस एस्टन विला भाई. ये कुछ पासेस हैं जो भाई सिटी को खोल के रख सकते हैं भाई, क्योंकि उनका जो स्टाइल, दीज आर दी पासेस भाई दैट कैन ब्रेक मैनचेस्टर सिटी. ये आपको नाचो ऑफर करके नहीं दे सकता भाई. चुआमनी की जो लॉन्ग बॉल्स हैं, चुआमनी की जो रेंज है, जो उसकी पासिंग रेंज है, बहुत बड़ा एसेट है. पीछे से हमारे पास एक ऐसा बंदा होना चाहिए सिटी को ध्यान में रखते हुए भाई, ये बहुत बड़ा एसेट है भाई. चुआमनी कैन हिट दीज भाई ओवर द टॉप टू विनिशियस, रोड्रिगो एंड जूड बेलिंगम. अब भाई आप इधर भी देख लो, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस, 3 मिनट के अंदर क्रिस्टल पैलेस ने गोल मार दिया. 3 मिनट के अंदर सिटी ने गोल खा लिया, कंसीड कर लिया भाई. जिस तरह का उनका जो स्टाइल है, जो उनका हाई लाइन है, जो हाई डिफेंसिव लाइन है भाई, चुआमनी अपनी रेंज से भाई, अपनी पासिंग रेंज से खोल सकता है. चुआमनी देखो, चुआमनी क्रूज वालवर्दे, ये तीन बंदे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं भाई. सिटी जिस तरह खेलती है, सिटी को ध्यान में रखते हुए, इन तीनों की लॉन्ग बॉल्स, जो इनके पास एक्यूरेसी है, जो पिन पॉइंट क्रॉसेस है, इनकी जो लॉन्ग बॉल्स है, घातक है, बहुत ज़्यादा घातक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है भाई वर्सेज मैनचेस्टर सिटी. देखो मुझे पर्सनली मुझे लग रहा है भाई, जो रिपोर्टर रेलवो की, मुझे पर्सनली सिर्फ एक ये स्ट्रैटेजी दिख रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक माइंड गेम्स दिख रहे हैं, क्योंकि रेलवो ये चीज़ें पहले भी चीज़ें कर चुका है, ऐसी हरकतें कर चुका है. बट कार्लो इज कार्लो भाई, एंसेलोटी इज एंसेलोटी, क्योंकि वो एटलेटिको मैड्रिड के साथ भी बिठा चुका है चुआमनी को. बट देखो या तो ये डर है अपने कार्लो एंसेलोटी को भाई, दोनों येलो कार्ड्स पे, कामोविंगा और चुआमनी दोनों येलो कार्ड्स पे. एक बंदे को खिलाता हूँ अपने बर्नबाउ पर, एक बंदे को खिलाऊंगा एतिहाद पर, इसलिए नाचो को स्टार्ट करवाना पड़ेगा. शायद ये चीज़ एक कार्लो एंसेलोटी के अंदर हो सकती है बात. बट भाई मैं मेरा बहुत क्लियर है, मैं उतरूंगा बिना डर के, क्योंकि भाई ड्रॉ से काम नहीं चलेगा. बर्नबाउ पर आपको एटलीस्ट आपको एक गोल का आपको लीड लेके तो जाना ही होगा एतिहाद पर भाई. वहाँ पर वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, जो लास्ट सीजन भी हुआ था फर्स्ट लेग में भाई, रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, जो अपने घर पर हुआ था, काफ़ी कट टू कट मैच था, काफ़ी बढ़िया मैच था. इतना सिटी इतना चार्ज नहीं कर रही थी, इतना चढ़ के नहीं खेल रही थी. बट जब वो अपने घर पर एतिहाद पे गए थे, बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे, हमसे नहीं संभले थे एट ऑल, बिल्कुल नहीं संभले थे भाई. तो मैं बिना डर के अपनी बेस्ट 11, स्ट्रॉन्गेस्ट 11, एटलीस्ट यहाँ पे अपने घर पर गोल, एक लीड लेके जाना चाहता हूँ भाई उनके घर पर. चुआमनी एट सेंटर बैक, इसका मतलब बहुत सिंपल है, कामोविंगा मिडफील्ड में, जो चीज़ दिख भी रही है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई, कामोविंगा मिडफील्ड में काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस, और होना भी चाहिए भाई. क्यों भाई, ही नीड्स टू स्टार्ट अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, कामोविंगा जैसे प्लेयर्स. देखो कामोविंगा जैसे प्लेयर्स
बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं भाई, जब सिटी जैसी टीम सामने होती है जो एक डोमिनेट करती है, जो एक पोजीशन रखती है, जो एक एक टेक्निकल प्लेयर है जो बॉल इतने प्यार से आपको देंगे, जब तक आप लोगे नहीं वो तो गलती नहीं करेंगे। जिस तरह हमारा कारवाल आपको गलती करते दिख जाएगा, कामाविंगा कहीं ना कहीं हमारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं गंदा पास खेलते हुए दिख जाएंगे, उनकी तरफ से वो चीजें नहीं दिखने वाली। कामाविंगा जैसे प्लेयर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या रीजन है, क्या रीजन क्या है भाई, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? पहली बात तो देखो भाई, एक बॉल विनर है, पहली बात तो ऐसा एक मैं ये ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका हूँ भाई, मैंने ऐसी प्रोफाइल बहुत रेयर प्रोफाइल है, कामाविंगा जैसा बंदा बहुत ही ज़्यादा रेयर है, जो फुट पे भी बहुत तगड़ा है, जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, जो जिसके पास कैरिंग एबिलिटी है, जिसके पास एक ऐसा टैकलिंग एबिलिटी है भाई, वो जो घुटने पे भाई घुटना रख के जिस तरह बॉल लेता है, एक अलग ही उसकी टेक्निक है भाई, तो वो चीज़ें बहुत कुछ ऑफर करता है, एक नेक्स्ट लेवल का एक बॉल विनर है। बट रीज़न ये नहीं है, ये देखो ये तो एडिशनल एक बोनस पॉइंट हो गया, जिस तरह उसकी टेक्निक टैकलिंग एबिलिटी है, जो एक एक बहुत ही तगड़ा बॉल विनर है, जो हमें चाहिए होगा हमारे मिडफील्ड में वालवर्दे के साथ, बट भाई ये रीज़न नहीं है। कामाविंगा जैसे प्लेयर्स क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सिटी के सामने, क्यों भाई? क्योंकि भाई दे कैन डिस्ट्रॉय देयर ब्लॉक्स, दे कैन डिस्ट्रॉय देयर ब्लॉक्स बाय देयर कैरिंग एबिलिटी, और इसका परफेक्ट एग्जांपल भाई जो लास्ट सीजन वर्सेस मैनचेस्टर सिटी अपने घर पर कामाविंगा ने जिस तरह बॉल कैरी किया था भाई, व्हेन ही कैरीड द बॉल भाई फ्रॉम आर बॉक्स टू विनिशियस, पूरी मिडफील्ड नाप दी थी, पूरी मिडफील्ड खोल दी थी सिटी की भाई, क्योंकि हमें ऐसे प्लेयर्स वालवर्दे जैसे, ये जो कैरिंग एबिलिटी है, ये वालवर्दे और कामाविंगा जैसे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सिटी के साथ, सिटी को ध्यान में रखते हुए बॉल लेकर जिस तरह ये लोग कैरी करते हैं भाई, मेरी परफेक्ट 11, बेस्ट 11 बहुत क्लियर आपके सामने है भाई, और मैं ये 10,000 बार बोल चुका हूँ, मैं said this before भाई, कामाविंगा is one of the most unique profiles I have ever seen, ये बंदा बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब वो येलो कार्ड ले ना ले, चुअमनी येलो कार्ड ले ना ले भाई, वो मुझ उस पर कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट अपने घर पर मैं अपने घर पर स्ट्रॉन्गेस्ट 11, बेस्ट 11 के साथ उतरूंगा और लीड, एटलीस्ट एक लीड लेके जाऊंगा भाई एतिहाद पर। बहुत सिंपल प्लान है, बहुत सिंपल भाई, बेस्ट 11 स्ट्रॉन्ग भाई, यार सामने अगर कोई और टीम होती फिर भी समझ जाता, सामने पिछले 5 साल को एक रीसेंट अगर उसको ध्यान में रखूं, फॉर्म नहीं, रीसेंट अगर कुछ ईयर्स को ध्यान में रखूं भाई, सिटी बेस्ट टीम है, सिटी टॉप पर है, सिटी नंबर वन है भाई, बेस्ट टीम है, जिस तरह वो खेलते हैं, जिस तरह उनके पास प्लेयर्स, जो जिस हिसाब से उनका कोच है, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए भाई, एक गलती एंड बूम खत्म, आप बाहर भाई, सिंपल सिटी है वो, मैनचेस्टर सिटी है। That's all for this video भाई, आप लोग अपने thoughts comment section में जरूर रखना भाई, आज मैंने कम्युनिटी पर भी क्वेश्चन डाला था, फिर से आपसे मैं सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई, आप लोग हो सके तो अपनी बेस्ट 11, स्ट्रॉन्गेस्ट 11 जरूर रखना भाई, आप लोग नाथू के साथ जाओगे, चुअमनी के साथ जाओगे, एतिहाद पे, मतलब जो भी आपके थॉट्स हैं भाई कमेंट सेक्शन में रखना, कल बहुत बड़ा मैच है, जो भी आपके थॉट्स हैं भाई रखना, क्या प्लानिंग, क्या हिसाब, क्या 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 भाई, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई, आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक, प्रिडिक्शन भी भाई मेरे भाई जरूर रख देना, प्रिडिक्शन क्या आप लोगों की, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, आई विल सी यू वेरी सून।